हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं धर्मेश कंथारिया और दीपम इंग्लिश इंस्टीट्यूट में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं स्टैंडर्ड 10th का मैथमेटिक्स। और आज हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 1.2। हम कौन सी स्टडी करेंगे? एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड नंबर जो है क्वेश्चन नंबर, उसके बारे में हम बात करेंगे। और दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ दिस सीरीज, ये सीरीज का सेकंड वीडियो है। और आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फाइंड आउट द एलसीएम एचसीएफ। हमें क्या ढूंढना है? एलसीएम और एचसीएफ ढूंढ निकालना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, नीचे जो इंटीजर्स की पेयर दी है उसको। और बाद में एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद वी हैव टू वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन मिलता है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये जो दोनों इंटीजर्स है उसकी जो प्रोडक्ट मिलेगी वो सेम है कि नहीं, उसको हमें वेरीफाई करना है इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखते हैं, चलिए ये जो है देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 एंड इट इज टेकन फ्रॉम द पेज नंबर 11 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आपकी टेक्स्ट बुक जो है चैप्टर 1, उसमें 11 नंबर के पेज से ये मैंने लिया है। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। हमारे पास ये जो पेयर्स है 26 एंड 91, 510 एंड 92 एंड 336 एंड 54, ये जो पेयर है उसके हमें LCM और HCF निकालने हैं। और आफ्टर कंप्लीटिंग द HCF और LCM, ओके, वी शुड हैव टू वेरीफाई दैट LCM into HCF, ये दोनों को जो मल्टीप्लीकेशन है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये दोनों की जो प्रोडक्ट मिलेगी, इट मीन्स द मल्टीप्लीकेशन मिलेगा, वो सेम है कि नहीं, वो हमें ढूंढ निकालना है। स्टूडेंट्स, आप जो LCM है और HCF है, आज तक आपने कैसे किया है? तो आज तक आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया है, ऐसे ही किया है प्राइम फैक्टराइजेशन से। ओके, आपको जो प्रोडक्ट और आंसर मिलती है परफेक्ट ऐसे ही मिलने वाली है। बिग बट you should have to remember that as students of the 10th standard, okay, we should have to use the factor 3. हमें क्या निकालना है? Factor 3 का उपयोग करना है। और factor 3 जब आप कर रहे हो students, तो आपको क्या याद रखना है? Rules of divisibility आपको clear होनी चाहिए। क्या clear होना चाहिए? Rules of divisibility। अगर आपको ये rules of divisibility clear है, divisibility, तो आप easily सब कुछ कर सकते हैं। तो थ्री फैक्टराइजेशन में कैसे होता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे जो हमारे पास रहेगा, जो हमारे पास ये नंबर है 2691, उसको लिख लेंगे तो वो क्या होता है? वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। क्या होता है? कंपोजिट नंबर। और ऐसे निकालना है, एक बाजू लेफ्ट साइड जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है? प्राइम नंबर। क्या मिलेगा? प्राइम नंबर मिलेगा। और दूसरी बाजू फिर से क्या मिलेगा? तो कंपोजिट नंबर। फिर से उसका हम एक मिलेगा प्राइम नंबर और यहाँ पे भी मिलेगा हमें कंपोजिट नंबर। लास्ट में यहाँ पे फिर से प्राइम मिलेगा, तो यहाँ पे लास्ट में जो प्राइम नंबर मिल जाएगा हमें, तो वहाँ पे हमें स्टॉप हो जाना है। और ये जो डिज़ाइन है उसको क्या कहते हैं? ट्री फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्री फैक्टराइजेशन। एंड वी शुड हैव टू गो विद दिस स्टाइल। हमें ये स्टाइल से काम करना है, आपको ये याद रख लेना है। विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड हैव टू स्टार्ट, हमें चालू कर देना है ये कुछ। तो पहले मुझे थ्री फैक्टराइजेशन से किसके करने हैं? फैक्टर्स करने हैं। तो 26 में फैक्टर्स अभी ढूंढ के दिखाता हूँ। तो मैंने लिख लिया 26, ओके। तो उसका पहला सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर कौन सा रहेगा? तो कौन सा रहेगा? तो आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी अगर क्लियर है, तो वंस के प्लेस पे जिसके भी नंबर्स वंस में क्या मिलते हैं? 0, 2, 4, 6, 8, तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कितने? 2। तो 2 का टेबल अगर आता है तो आप इजीली कर सकते हो 26, वरना तो आप डिवाइड कर सकते हो। 2 1 2 2 3 6, तो 13 मिल गए। तो ये 13 भी मेरे लिए किया है, तो इट इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर मिल गया, तो मुझे यहाँ पे रुक जाना है। और उसके फैक्टर में ऐसे लिख लेता हूँ 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। अगर मुझे वो पावर के हिसाब से लिखना है, उसका मतलब होगा 2 की एक पावर मिलेगी और 13 की ऑल्सो 1 पावर। ओके, आपको ऐसे भी लिखना है बोर्ड की एग्जामिनेशन में, अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए। देख लीजिए, याद रख सब ये शब्द याद रख, अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए मैथमेटिक्स में तो ये लिखना है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ द 91, में 91 के फैक्टर्स आपके लिए ढूंढ के निकालता हूँ। ओके, अगर आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पता है तो ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ पे वंस के प्लेस में 0, 1, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो 2 से नहीं होगा। नाउ व्हाट इज द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी? 3।
तो उसका मतलब होता है जितने भी ये जो नंबर है उसके हमें क्या करना है, तो उसका प्लस कर देना, 9 + 1 = 10। तो 10 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो फिर आगे बढ़ेंगे 5 का क्या होता है, जो इसके प्लस वंस में 0 या 5 होता है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तो ये कोई नहीं है, तो मैं सीधा जाऊंगा 7 नंबर पे। 7 की रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जो है वो हमारे यहाँ पे मैंने वीडियो रख लिया है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ जाइए और ढूंढ लीजिए। तो अगर आपको टेहर का टेबल आता है तो ये होगा 13 7 91। ये 13 क्या मिल गया, तो ये हमारे लिए ऑल्सो प्राइम नंबर है। तो इसके जो फैक्टर से कौन से बन गए, 91 = 7 × 13। तो पावर कैसे लिखेंगे, 7 का एक पावर है, 13 ऑल्सो वन पावर है। तो अभी हमको LCM निकालना है। तो LCM में जो सबसे बड़ी पावर वाला है उसको लेना है। तो यहाँ पे 2 एक ही है, तो सबसे बड़ी पावर एक ही मिली है, तो मैंने 2 ले लिए, ठीक है। फिर 7, ओके, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर्स के नंबर से ही जाना है, ओके। तो पहले मुझे 7 का एक पावर मिला, एक ही 7 है, तो यहाँ पे 7। और यहाँ पे 13 जो है दो बार है, अगर कोई कॉमन होता है तो हमें एक ही बार लिखना है। तो ये सबसे बड़ी पावर कौन सी, तो एक ही पावर है, तो 13 लिख लेते हैं। अगर हमें अभी क्या करना है, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, 39 सा तो कितने हो गए, 91 × 2, तो क्या हो गया, 1 2 1 2 9 2 18, तो ये हो गया 182। तो LCM क्या मिल गया, तो LCM 26 एंड 91 का जो LCM है वो कितना मिल गया मुझे, तो 182। अभी मुझे क्या ढूंढना है, तो मुझे अभी निकालना है HCF, किसके HCF, HCF ऑफ कितने 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 हैं, 26 एंड 91 इज इक्वल टू जो कॉमन नंबर मिलता है। दो कॉमन है, नहीं है यहाँ पे कोई प्रोडक्ट में, दो नहीं है तो दो कॉमन नहीं है, 7 प्रोडक्ट नहीं है, 13 ही है, तो एक 13 मिल रहा है, तो ये HCF बन गया मेरे लिए। तो एल्स अभी मुझे क्या करना है, आगे बढ़ना है, और आगे क्या लिखा है, तो आगे लिखा है LCM into HCF is equal to product of two numbers, okay, two numbers means which numbers are using for finding out LCM and HCF, both of the integers हमें लेने हैं। तो LCM कितने मिले, 182 into 13। तो प्रोडक्ट कौन कौन सी थे हमारे पास, कौन सी प्रोडक्ट मिलना है, तो यहाँ पे 26 × 91। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कितने मिलेंगे, तो 182 और इंटू 13 के कितने मिलेंगे, 2 3 6 6। तो उसका जो मल्टीप्लीकेशन ये मिलेगा, अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 3 6 6, ओके, देखो तो दोनों के जो प्रोडक्ट है सेम हो गए, तो इट इज़ वेरीफाइड। इट इज़ वेरी इजी, बट यू शुड हैव टू गो विद द फैक्टर ट्री, आपको फैक्टर ट्री का उपयोग करना है। लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल, ओके, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सभी चीज़ों को हम यहाँ से इरेस्ट कर देते हैं, कलर ऑल्सो शुड बी चेंज, कलर भी हमें बदल लेना चाहिए ताकि आप इजी तरह से अभ्यास कर सकें। यहाँ पे मुझे ये करना है 510 एंड 92 के LCM और HCF फाइंड आउट करने हैं, लेकिन कैसे, फैक्टर ट्री के हिसाब से करने हैं। तो फैक्टर ट्री में क्या काम करना है, तो फिर से याद कर लीजिए, तो सबसे ऊपर हमें जो मिलता है वो कौन सा नंबर होता है, तो वो होता है कंपोजिट नंबर होता है। एक बाजू हमें मिलेगा प्राइम नंबर, दूसरी बाजू फिर से मिलेगा कंपोजिट नंबर, और कब तक जाना है ये लाइन में, मुझे प्राइम नंबर जब तक मिल जाता है वहाँ तक मुझे जाना है, बिकॉज इट इज़ न्यू फॉर अस। हम अब तक क्या करते आए हैं, तो हम अब तक करते आए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से ही काम करते आए हैं, तो हमें ये करना है। तो पहले तो LCM और HCF ढूंढ लेना है, और बाद में वेरीफाई डैट LCM into HCF of the product of two numbers, दोनों नंबर की जो प्रोडक्ट है वो हमें वेरीफाइड करनी है, ठीक है। तो पहले मेरे पास है 510, तो उसका क्या करेंगे, पहले तो प्राइम नंबर, सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर कौन सा है, 2। तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी अगर आपको क्लियर है तो ये आराम से हो जाएगा। अभी 2 का टेबल जो है आपको 5 तक जाना है, तो 2 2 4 एक बज गया, ओके, 2 5 10 फिर से एक बज गया, तो 2 5 10, तो यहाँ पे हो गया 2 5 5, कितने मिल गए हमें, 2 5 5।
तो यहाँ पे जो वंस का प्लेस में 5 आ गया, इट मीन्स इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 के बाद में 3 मिलता है, तो पहले 3 पे जाएंगे, तो 3 की रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है, तो हमें क्या करना है, सम ऑफ द ऑल नंबर्स, ये नंबर्स के हमें सम करना है, 5 + 5 + 2 इट गिव्स 12, कितने मिल जाएंगे 12, और 12 जो है 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे मैं 3 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन बना देंगे, तो ट्री का टेबल 25 तक जाएंगे, तो कितने होंगे, 8 trees are 24, एक बच गया, 3 5s are 85, तो 85 मिल गए। तो ये जो है आगे बढ़ना है, 8 और 5 जो है वो क्या है, 5 वंस में, तो 5 से होगा, लेकिन इन दोनों का टोटल कर लेते हैं, तो 8 9 10 11 12 और 13, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो मुझे क्या लिखना है, 5, तो 5 के रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या कहती है स्टूडेंट्स, तो उसके रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी कहते हैं कि जिसके वंस के प्लेस में 5 और 0 मिल जाता है, तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे 5 है वंस के प्लेस पे, तो मैं 5 से कर लेता हूँ, 5 का टेबल 8 तक बोलेंगे, तो 5 1s are 5, 3 बच जाएंगे, 5 7s are, ओके ओके हो गए, तो 17 5s are 85, और ये जो 17 जो है वो मेरे नंबर, मेरे लिए क्या है, वो प्राइम नंबर है, तो मुझे आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो इसके जो हमें फैक्टर्स मिल गए, 510 के जो फैक्टर्स मिल गए, 2 × 3 × 5 × 17, और उसको हमें पावर के तौर पे लिखना है, 2 की 1 पावर मिल रही है, 3 की 1 पावर मिल रही है, 5 की 1 पावर मिल रही है, और 17 की भी 1 पावर मिल रही है, ये आपको लिखना है अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो। नाउ इट इज़ फॉर द 92, हमें कहाँ पे जाना है, अभी 92 के लिए जाना है, तो मैं ऐसे लिख लूँगा, क्योंकि उसके वंश के प्लेस पे 2 है, सो वसुदेव, मुझे कहाँ से जाना है, 2 से चालू करना है। तो अगर आपको आता है 2 का टेबल, तो 9 तक जाइए, 2 4s are 8, यहाँ पे 1 लिख लिया, तो 6 4 2 6 are 12, ओके, तो 46 मुझे मिल गए, तो यहाँ पे 46, यहाँ पे वंस के प्लेस पे 6 है, तो फिर से मैं 2 से ही जाऊँगा, तो 2 2s are 4 2 3s are 6, 23 और 23 मेरे लिए क्या है, ये प्राइम नंबर मिल गया, तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, मैं वहाँ पे ही रुक जाऊँगा। तो यहाँ पे मिल गया 92 के, तो हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से मिले, 2 × 2 × 23, और पावर के तौर पे लिखेंगे, तो 2 की 2 पावर मिल, 2 square × 23 के कितने पावर मिल रहे, तो 1 ही मिल रहे हैं, ठीक है। अभी मुझे आंसर लिखना है, तो मैं इरेज कर लेता हूँ, ये बाजू थोड़ी इरेज कर लेता हूँ, तो इजीली काम मेरा हो जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको अच्छी तरह से दिखा पाऊँगा, कंट्रोल पी। नाउ यहाँ पे तो पहले तो मुझे क्या लिखना है, एलसीएम ढूंढना है, तो किस किस के एलसीएम है, 510 एलसीएम ऑफ, क्या लिखना है, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल टू, जिसकी पावर बड़ी होगी, तो यहाँ दोनों में 2 है, लेकिन पावर किसकी बड़ी है, नीचे वाले की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 square into, यहाँ पे 3 है लेकिन नीचे 3 नहीं है, तो 3 की 1 पावर मिल गई, इंटू 5 नहीं है नीचे, तो 5 की 1 पावर हमें ज़्यादा मिल रही है, उसके बाद 17 की 1 पावर है और 23 की 1 पावर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें गुना करना है, 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23, और ये बहुत लंबा हो गया, अगर मैं अभी उसका गुना करूँगा, मल्टीप्लिकेशन करूँगा, तो मैं लंबा हो जाऊँगा, तो आंसर क्या मिल रहा है भाई साहब, 2 3 4 6 0, इन सभी का गुणा कितना मिलेगा, ये मिलेगा, तो एलसीएम मिला। नाउ इट इज़ टाइम ऑफ द एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ कितने का, 510 एंड 92 इज इक्वल टू, जो कॉमन नंबर मिल रहे हैं वो, तो ये दोनों में से कॉमन कितने हैं, सिर्फ 2 ही कॉमन है, देखो यहाँ पे 3 एक ही बार है, 5 भी एक ही बार है, तो कॉमन 2 ही मिल रहा है, तो एचसीएफ कितने बन गए, 2 मिल गए। तो ये हमारा HCF और LCM हमने ढूंढ निकाला। नाउ इट इज़ टाइम फॉर द वेरिफिकेशन, हमें वेरीफाइड करना है, LCM into HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये जो नंबर्स है उसकी प्रोडक्ट करना है। LCM हमें कितने मिले, तो LCM मिले 2 3 4 6 0 × 2 इज इक्वल टू कितने, 510 × 92, तो ये तो आराम से होगा, 2 0 2 6 2 12 12,
सिक्स टू, यहाँ पे हो गया चार दो आठ और नौ, यहाँ पे सिक्स और ये चार, बराबर है भाई। तो यहाँ पे भी इतने ही मिलेंगे, फोर सिक्स नाइन टू ज़ीरो। तो ये दोनों वेरीफाइड हो गए कि दोनों बाजू एक समान है। तो आपको ये करना है स्टूडेंट्स, ये वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और इसके लिए मैं स्क्रीन को क्लियर कर दूंगा और आपके लिए कलर भी चेंज कर लेता हूँ, और कलर जो लेते हैं हम मैजेंटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है पहले, तो पहले ही आपको थ्री से फैक्टर करना है, तो पहले कंपोजिट नंबर मिलेंगे, तो उसमें एक बाजू प्राइम फैक्टर रहेगा, दूसरी बाजू फिर से कंपोजिट मिलेगा। कहाँ तक जाना है, जहाँ तक राइट साइड में प्राइम नंबर नहीं मिल जाता, ठीक है। तो आपको आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे थ्री थ्री सिक्स को ले लेते हैं हम, ओके। और यहाँ पे वंस के प्लेस पे क्या है, वंस के प्लेस पे सिक्स है, सो आई शुड हैव गो विद टू, मुझे दो से एक चालू करना है। तो यहाँ पे मिलेंगे टू वन ज़ा टू, एक बज गया, तीन वन सिक्स ज़ा ट्वेल्व, एट वन सिक्स एट, बराबर। यहाँ पे फिर से टू से होगा, तो मैंने ले लिया टू, और टू एट ज़ार सिक्सटीन, फोर ज़ा एट, तो यहाँ पे मुझे 84 मिला, तो फिर से टू से हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर फोर्टी टू आर 84, फिर से मुझे दो मिला, तो मैं ले लूँगा। तो हमें 21 तो आते ही, इतना तो सबको आता है। यहाँ पे 21 है तो तीन से होगा, तीन सत तीन गुना सात कितने मिल गया, 21, और ये जो सेवन मिल गया वो हमें क्या नंबर मिल गया, प्राइम नंबर है, से तो हमें आगे नहीं बढ़ना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थ्री थ्री सिक्स इज इक्वल टू, कौन कौन से हमें फैक्टर्स मिले, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू सेवन, तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा, चार है, तो टू की कितनी पावर बन गई, चार, थ्री का एक पावर और सेवन का वन पावर, ठीक है। नाउ इट इज़ 54, तो यहाँ पे मैंने ले लिए 54, तो 54 जो है यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे दो। तो अगर आपको आता है तो होगा दो दो, दो दूना चार, एक हो गया 27, और 27 तो किस में आ जाएंगे, थ्री में, तो नाइन थ्री ज़ार 27, यहाँ पे भी थ्री थ्री ज़ार 9, तो ये जो है थ्री थ्री ज़ार 9, तो ये प्राइम नंबर मिल गया। तो 54 की हमें प्रोडक्ट क्या मिल गई, तो टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, इट मीन्स टू का एक पावर और थ्री का क्यूब, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। तो अभी हमें क्या निकालना है, तो हमें पहले तो निकालना है एक इरेजर, और इरेजर से ये हमें क्लियर कर देना है ताकि आप समझ जाओ इजीली, ठीक है। तो मैंने निकाल लिया सब कुछ, और हम पहले तो एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि पहले लिखा है एलसीएम ऑफ किसका, थ्री थ्री सिक्स एंड फाइव फोर इज इक्वल टू, तो पहले तो जिसकी पावर बड़ी है, तो यहाँ पे दो की चार पावर है, यहाँ पे दो की एक पावर है, तो ले लेंगे दो की चार पावर, ठीक है। यहाँ पे तीन की एक पावर है, यहाँ पे तीन की तीन पावर है, तो ले लेंगे तीन की तीन पावर, और यहाँ पे सात की एक पावर है, तो सात की एक पावर, तो कितने मिले, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू सेवन, तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, थ्री ज़ीरो टू फोर, ओके। मैं गुना नहीं कर रहा हूँ, याद रखिए मैंने याद कर लिया है। तो वहाँ पे एच सी एफ ले लेंगे, तो एच सी एफ ऑफ थ्री थ्री सिक्स एंड फाइव फोर इज इक्वल टू जो कॉमन मिलता है, तो यहाँ पे एक कॉमन निकल रहा है, दूसरा क्या मिलता है, ये तीन निकलता है, निकलता है ना, तो ये कॉमन निकल रहे, तो मुझे मिले दो इंटू थ्री इज इक्वल टू सिक्स, तो एच सी एफ क्या मिल गए, सिक्स। तो हमारे एल सी एम और एच सी एफ हो गया। तो अभी आगे बढ़ना है, क्या ढूंढना है, एल सी एम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, चलो एलसीएम कितने हैं हमारे पास, तो एलसीएम थ्री जीरो टू फोर है, एचसीएफ कितने हैं, छः है, और प्रोडक्ट कौन कौन सी है हमारे पास, थ्री थ्री सिक्स एंड फाइव फोर, ये दो नंबर की प्रोडक्ट निकालनी है। तो ये दोनों के गुणे कितने होते हैं, वन एट वन डबल फोर, तो यहाँ पे भी इन दोनों का प्रोडक्ट कितने होगा, वन एट फोर फोर,
तो ये हमारा आंसर हो गया, मैंने वेरीफाइड कर लिया। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए यूट्यूब चैनल भी क्लियर है, आप वहाँ भी जाइए और मटेरियल डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।